दुल्हा जो है ये मास्टर है और ये दहेज के कारण जो है शादी करने से साफ इनकार कर रहा है, जबकि लड़की वालों ने कुछ पैसे इनको दिया है, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि हमें पूरा पैसे चाहिए। बारीकी से जो हम दुल्हा से पूछते हैं और उनके पिताजी ये यहाँ पे सामने खड़े हैं, तो मैं दूल्हे के पिताजी से पूछना चाहता हूँ कि आखिर इसका रीजन क्या है और बारीकी से आप मुझे बताएं विस्तार से। जी बाबूजी बोलिए ना। हाँ बोलिए, बताइए। आप जो शादी करने से साफ इनकार कर रहे हैं दहेज के कारण, आखिर क्यों? देखिए, शादी ब्याह वैसे नहीं होता है। हम अपने लड़का को पढ़ाने लिखाने में काफी पैसा इन्वेस्ट किए हैं। ऐसे नहीं टीचर हो गया है। अच्छा, पढ़ाई लिखाए हैं, कितना कोचिंग में हम इसको भेजे हैं, तब जाकर के ये टीचर हुआ है। और शादी में जो बात हुई थी कि हम अपनी लड़की का, अपनी लड़की के शादी में आपको हम इतना दहेज देंगे, इतना पैसा देंगे, कुछ पैसा दिए और कुछ पैसा बाकी था। और अभी जो है सो उसमें से कुछ पैसा अभी दिया गया है, लगभग 50,000 के करीब है। हाँ, 50,000 है, ये जेवर है और ये जेवर है जी। और इतना 50,000 रुपया और जेवर भी कम है, उतना हमको और चाहिए। आप बताइए, पढ़े लिखे हो करके इस तरह का घटिया सोच रखते हैं आप? नहीं नहीं, पढ़ा लिखा क्या, इसमें पढ़ा लिखा का सवाल कहाँ से आता है? हमको ये बताइए, क्या वैसे ही हम अपने पिता का शादी कर दें? आप लोग जो बोल रहे हैं कि पढ़ा लिखा हो करके, कौन पढ़ा लिखा नहीं है? एक गरीब इंसान भी जो पढ़ा लिखा नहीं रहता, वो भी शादी करता है अपने बेटे का, तो वो भी दहेज लेता है। और हम तो पढ़ाने लिखाने में, लालन पालन में इतना पैसा खर्च किए हैं, वैसे ही फेंक दे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बिहार का घटना भी दिखा रहा हूँ, बिहार का सब ये बहुत ही घटिया लोग सब है, मैं यही कहना चाहूंगा। और देख रहे हैं कि दूल्हे के हाथ में पैसा और कुछ जो है जेवर है, लड़की वालों ने कहीं से व्यवस्था करके इन्हें बोल रहे हैं कि अभी आप ये रख लो और बाकी का जो पैसा जो है, कितना भी बाकी है? 50,000 और बाकी है। 50,000 के कारण जेवर में भी बहुत सारा कमी है, बस एक ही जेवर दिए है, बस यही। तो देख रहे हैं आप, ये कह रहे 50,000 और चाहिए, उसके बाद हम जो है शादी करेंगे। आप अंकल जी एक बात बताइए जी, ये जो कह रहे लड़की वाले, जो हम 50,000 जो है कुछ दिन के मोहलत दीजिए, जैसे अभी उन्होंने दिया है पैसे, कुछ पैसे, ठीक है? तो इतना विश्वास तो आप कर ही सकते हो, वैसे भी आपका रिलेशन होने वाला है। देखिए, हम ऐसे ही बूढ़े नहीं हो गए हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि शादी हो जाने के बाद जो है ना, इस पैसे का कोई वैल्यू नहीं रहता है। जो डिमांड किया जाता है उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, आज दे देंगे कल दे देंगे और उसके कारण घर में कलह होता है। हम नहीं चाहते हैं कि आगे चल के कोई कलह हो। तो बारात आने से पहले आपको सोचना चाहिए था ना, बताइए। नहीं नहीं, ये बात हमको क्यों सोचना चाहिए? आपको नहीं, हमने डिमांड किया। हाँ। और लड़की वाले ने एक्सेप्ट किया, तो उनको ना सोचना चाहिए, वो बोले थे। अभी मान लो अभी पुलिस या थाना किसी को बुलाते हैं, तो अभी आपके पास फिर क्या होगा, आपको पता है ना? नहीं, क्या होगा, क्या होगा? वो नहीं, तो दहेज नहीं लेता है। जो पुलिस वाले पकड़ करके जेल में डालता है, उसको अगर आप पूछिएगा कि आप अपने लड़के का शादी आदर्श कीजिएगा, तो मुकर जाएगा, दिल पर हाथ रख करके कहिए पूछने के लिए, एक भी जवाब नहीं देगा। तो देख रहे हैं अंकल जी, कह रहे हैं कि यहाँ पे हर कोई दहेज लेता है और हम भी अपने बेटा को, जो जैसे बेटा हमारा मास्टर है, पुलिस वाला हो चाहे वकील हो चाहे कोई हो, हर कोई सब लेता है, सब पैसा लेता है। तो सब गंदे हो जाएंगे, तो आप भी गंदे होंगे, बताइए आप। नहीं नहीं, बताइए। इसका मतलब है कि हम आदर्श हो जाए और बाकी लोगों को गंदे रहने दे। अच्छी बात है ना, आप पता हटाना है तो पूरा हटाइए ना। तो शुरुआत आप ही कीजिए फिर, हमारे सुधार करने से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये सरकार को चाहिए, सरकार को करना चाहिए। हाँ, तो सरकार ने वो कानून कैच करे, सब नहीं लेगा, हम भी नहीं लेंगे। सरकार के नजर में, सरकार ने तो कानून बना रखा है कि लेना और देना दोनों अपराध है, उसके बावजूद भी आप जो ले रहे हैं। अभी आपको पता है ना कि आपके बेटे का जो है नौकरी जा सकता है, टीचर में जो पढ़ाई जो कर रहा है, अभी पढ़ा जो रहा है, टीचर है ना आपका लड़का, नौकरी जा सकता है ना, पता है ना आपको? और उसके बावजूद भी नौकरी, 2 से 5 साल का जेल होगा, पैसे का जमाना है, पैसे का कमाना। मतलब आप आपके पास इतना पैसा है जो आप कानून को भी खरीद लोगे? हैं? सब क्या, सब कुछ तो पैसे पर बिकता है, कानून नहीं बिकता है, कानून भी बिकता है। देखिए सब कुछ तो पैसे पे है। देखिए, बिहार का टीचर जो है इस तरह का जो है
कानून के साथ में जो है खेल खेल रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। नहीं मिलेगा शादी तो 50,000 के कारण आप अपनी भी इज्जत जो है बेच रहे हो। पावा क्या बात कर रहे हैं भाई साहब आप लोग, इसमें इज्जत बेचने की क्या बात है, जो जितना आज के। अरे सर आप बताइए, आप बारात लेके आए हो ना आप? हाँ बारात लेके आए, अभी आप लेके चले जाओगे हाँ। तो इज्जत किसकी जाएगी बताइए आप? किसकी जाएगी? आपकी नहीं जाएगी? वाले की जाएगी। और आपकी जाएगी? आपकी नहीं जाएगी? नहीं हमारी नहीं जाएगी। जब हमारी क्यों जाएगा, हम फिर दूसरा शादी कर लेंगे। जो जितना समाज में दहेज लेता है समाज में उसका उतना प्रतिष्ठा रहता है, मैं यही जानता हूँ। अच्छा, जो जितना लेता है पैसा उतना ही उतना नाम चलता है, नाम चलता है, घर घर चर्चा होता। टीचर होकर के इस तरह का बात आप कर रहे हैं, हैं? टीचर होकर के इस तरह का बात कर रहे हैं आप? तो क्या करें, हम थोड़ी कर रहे हैं, सब ना कर रहे, पूरा दुनिया कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाइए और नीतीश जी के पास में पहुंचाइए, जो वहां पे राजगद्दी में बैठे हुए हैं और भाषण पे भाषण दे रहे हैं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि इस चीज पे जो है सख्त से सख्त कानूनी बनाना चाहिए, ताकि इन जैसे इंसान को सजा मिल सके। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, जो देख रहे हैं आप ये घटना जो है बिहार का है, मैं बार बार कह रहा हूँ बिहार का, तुम घबराओ मत, बिहार में ऐसे लोग भी है। और ये बिहार निदेश राज हमारा हर कुछ बदनाम हो रहा है ये दहेज के कारण, वो मास्टर, ये टीचर है ये दोस्तों। और दोस्तों मैं आखिरी बार मैं कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, और इन जैसे भेड़ियों को, इन जैसे कुत्तों को सजा मिलनी चाहिए। जय हिंद जय भारत।